आप सभी का स्वागत है ई आई एजुकेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां पे अब आप लोग का जो इंतजार है वो समाप्त होते नजर आ रहा है। क्योंकि पहले चरण का जो वितरण होगा वो किस दिन से स्टार्ट करवाया जा रहा है, कितने लाख जो टैबलेट स्मार्टफोन है उसका वितरण करवाया जाएगा, इन सभी को लेकर सारी बातें आप लोग को बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो कि आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पे सारी बातें आई हैं, क्या बातें कही गई हैं, एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद से आप लोग को सारी बातें समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, अटल के जन्म दिवसीय युवाओं को स्मार्टफोन, और यहाँ पे क्या बातें कही गई ताकि अब जल्द से जल्द जो आप लोग का इंतजार हो वो समाप्त हो। आप लोग के फॉर्म भरने की तक की बातें नहीं थी, अब जल्द ही आप लोग के हाथों में जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन है वो भी देखने को मिले। तो यहाँ पे बताया गया योगी सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट बांटने की तैयारी पूरी कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 10.50 स्मार्टफोन एवं 2.50 लाख टैबलेट का वितरण होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो सारी बातें आप लोग को बताई गई हैं जो कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोग के लिए आ रही है कि पहले चरण का अब जो वितरण है वो 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। लगभग यहाँ पे 10.50 स्मार्टफोन और 2.50 लाख टैबलेट का जो वितरण है वो पहले चरण में करवाया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या बातें कही गई कि स्मार्टफोन की सप्लाई आईटी विभाग के 20 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके कुछ दिन बाद टैबलेट की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। युवाओं का इसका वितरण 25 दिसंबर से करने की तैयारी है। इसमें टैबलेट के लिए विस्टल, सैमसंग, एसआर और स्मार्टफोन के लिए अलावा सैमसंग और सैमसंग ने आपूर्ति करने के लिए टेंडर में भाग लिया था। बताया जा रहा है कि टैबलेट की आपूर्ति दिसंबर के आखिरी में होगी, ऐसे में इसका वितरण जनवरी में ही हो पाएगा। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए मुख्यमंत्री जल्द डीजी शक्ति पोर्टल लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल अब स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। पहले चरण का जो वितरण होगा वो 25 दिसंबर से शुरू करवाया जाएगा और यहाँ पे लगभग 67 लाख जो कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वो करवाया जाएगा। खुद ये जो बातें हैं वो आप लोग को पता ही है कि सरकार की ओर से सारी बातें बताई गई थी कि लगभग 67 लाख युवाओं को जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन है वो दिया जाएगा। तो पहले चरण में यहाँ पे लगभग आप लोग देखिए कि 2.5 लाख जो टैबलेट का वितरण है वो करवाया जाएगा, जहाँ पे अलग अलग कंपनी की ओर से जो टेंडर हैं वो लिए गए हैं। तो बाकी आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, जल्द से जल्द जो वितरण है वो शुरू हो जाए ताकि पहले चरण में जो कि अटल जी का जो कि बर्थडे है यानी कि जन्म दिवस है उसी दिन 25 दिसंबर से जो वितरण है वो भी शुरू करवाया जाएगा। यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो आप लोग को बता दी गई हैं और लगभग यहाँ पे 25 दिसंबर से पहले चरण का होगा, उसके बाद से जनवरी में जल्द ही जनवरी से पहले जो भी सारे वितरण होंगे वो करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे डीजी शक्ति पोर्टल की ओर से जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से जो भी डाटा फंडिंग का काम था वो करवा दिया गया। जो वेरिफिकेशन है वो भी डीजी पोर्टल के माध्यम से लगभग सारे यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं, जितने भी कॉलेज हैं उससे संबंधित वहाँ पर करवा दिया गया है। तो जिनके भी कॉलेज में लिस्ट में आप लोग के नाम होंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी की ओर से कॉलेज लिस्ट जारी किए गए थे, तो उस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को जो कि टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जल्द ही आप लोग के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वो तो समाप्त हो चुकी, लेकिन वितरण की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू हो ताकि जल्द से जल्द आप लोग के हाथों में जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन है वो देखने को मिले। बाकी यहाँ पे जो बातें हैं वो कही गई कि 25 दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप लोग के हाथों में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिखे। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम देते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को जो भी सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूलें।